गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज असी अपना नैक्सट लैक्चर स्टार्ट करांगे जिहदे विच आपां बैटरी दी डिफरेंट टाइप ऑफ टैसटिंग किहड़ी तरीके नाल कीती जा सकदी आ उह चैक करांगे। दो टैसट अज आपां करांगे, कैडमियम टैसट एंड ओपन वोल्ट टैसट। आपां हाले तक दो टैसट कीते आ जिहदे विच सब तों पहला टैसट सीगा स्पैसिफिक ग्रैविटी टैसट और हाइड्रोमीटर टैसट। ठीक है, उहदे विच आपां चैक करदे सी इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा सोल्यूशन हैगा आ उहदी स्ट्रेंथ, उस इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की किन्नी डेंसिटी आ, उस डेंसिटी के नाल सानू की पता चलता है रीडिंग के नाल, हाइड्रोमीटर सानू की शो करता है। सो इलैक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ एक बहुत मेन क्रिटिकल पैरामीटर आ जिहदे उपर बैटरी की वोल्टेज पैदा करन दी, करंट पैदा करन दी पावर डिपेंड करती है। सो इलैक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ प्रोपर होना बहुत जरूरी है। सो आपां वो चैक करन दे लई हाइड्रोमीटर टैसट यूज करते हैं, जां जिहनू कह दिंदे आ स्पैसिफिक ग्रैविटी टैसट। ठीक है, वो टैसट आपां कर लिया सी। उस तो बाद असीं नैक्सट टैसट कीता सीगा, दैट इज़ हाई डिस्चार्ज टैसट। हाई डिस्चार्ज टैसट दे विच आपां सिर्फ 10-15 सैकंड दे लई एक बहुत हाई करंट जिहड़ा आ उह प्रोवाइड कराने आ अक्रॉस ईच सैल, हरेक सैल। जिस तरह बैटरी दे विच ग्रुप होंदे आ सैल्स, 6 ग्रुप होंदे आ, 3 होंदे आ, 9 होंदे आ। सो 6 सैल वाली बैटरी मोस्टली आपां यूज करदे आ। सो ग्रुप सैल हुंदे की है बेसिकली जिहड़ा अपना उहदे विच एक ग्रुप हैगा बैटरी दा, दिस इज सैल, आ एक सैल आ, अगला सैल आ, इस तरह। इहदे विच एक नंबर ऑफ प्लेट्स हुंदियां जिहनूं आपां ग्रुप कहिंदे आ, सो इहनां नूं ही सैल कहिंदे आ। ठीक है, सो आपां हरेक सैल दे जिहड़ा वोल्ट मीटर दे नाल रीडिंग चैक करनी आ। सो जो आपां चैक करनी आ ते हरेक जिहड़ी रीडिंग दी, हरेक सैल दी रीडिंग आ 1.5 वोल्ट तो ज़्यादा नहीं होनी चाहीदी। ते जिहड़े आपां सारे सैल्स दी जो रीडिंग चैक कर ली ते उहनां दे विचला विचला डिफरेंस हैगा आ उह 0.2 वोल्ट तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड हैगा, अगर इस तों ज़्यादा होगा तो यानी कि बैटरी डिफेक्टिव आ। ते इह टैसट हमेशा उदों करना है जदों बैटरी हाफ तो ज़्यादा चार्ज हैगी। क्लीयर। सो नैक्सट जिहड़ा अज दा टैसट हैगा साडा, दैट इज़ कैडमियम टैसट। कैडमियम टैसट की सानू डिस्क्राइब करदा है कैमिकल कंडीशन ऑफ द प्लेट्स ऑफ बैटरी। ठीक है, आपां कैमिकल कंडीशन देखते हैं बैटरी की प्लेट्स की, कंडीशन की हैगी है, किहदी हैल्प नाल देखते हैं, कैडमियम की हैल्प नाल। कैडमियम एक मैटल हैगी है, सो उहदी हैल्प नाल आपां ये टैसट करते हैं। सो किस तरह करते हैं, की प्रोसीजर हैगा इहदा। जिहड़ा कैडमियम टैसटर हैगा इहदे मेन 4 पार्ट्स आ, वोल्ट मीटर, कैडमियम रॉड और स्टिक, परफोरेटेड एबोनाइट ट्यूब, इंसुलेटेड कंडक्टर वायर फॉर कनैक्शन। सो आ 4 मेन ये इक्विपमेंट्स पार्ट्स है। वोल्ट मीटर, कैडमियम रॉड, कैडमियम रॉड के उपर ही एबोनाइट की कोटिंग की होंगी है, एक टिप से एबोनाइट की कोटिंग की होंगी है। किस तरह होंगी तुम दिखाने लैक्चर च। हाँ जी, सो आगी कैडमियम ट्यूब, तो ये एंड के उपर एबोनाइट की कोटिंग की होंगी इस जगह पर। ठीक है, सो किस तरह कनैक्ट की जाती पॉजिटिव प्लेट का नैगेटिव प्लेट ना, वो तुम समझाते हैं। सो टू चैक द प्लेट कंडीशन द कैडमियम रोड इन क्लोज इन परफोरेटड एबोनाइट ट्यूब। कैडमियम रोड न एबोनाइट की ट्यूब के प्रोपर कवर किया हों, तो इस ट्यूब में आप इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डुबा देंगे, यानी कि उपरला वह ढक्कन खोल के आप इस रॉड में जिथे एबोनाइट की कोटिंग की हुई है उन्होंने आप इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के डिप कर देंगे। पर एक ध्यान रखना है, जो आप डिप करना है तो प्लेट के नाल ना लगे, जी ट्यूब आ प्लेट के नाल टच ना हो। वन एंड ऑफ द कैडमियम रॉड इज कनैक्टड बाय एन इंसुलेटड कंडक्टर वायर। सो जिथे ट्यूब का एंड आप इंसुलेटेड वायर कनैक्ट कर देना है, तो नैगेटिव साइड वोल्ट मीटर की लगा देना है। हमेशा जी ट्यूब ट्यूब कंडक्टिव वायर कनैक्ट करना है, उन्होंने हमेशा वोल्ट मीटर की नैगेटिव साइड से लगाना है। द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर इज अल्टरनेटली कनैक्टड टू द पॉजिटिव एंड नैगेटिव प्लेट्स और टर्मीनल। तो जी पॉजिटिव साइड आ वोल्ट मीटर की, वह बार बार आ कभी आप नैगेटिव प्लेट के नाल कनैक्ट करनी है, कभी पॉजिटिव प्लेट के नाल कनैक्ट करनी है और टर्मीनल के नाल कनैक्ट करनी है हरेक बैटरी सैल। ठीक है, द टू रीडिंग गिव बाय द वोल्ट मीटर आर दैन एडेड टू ऑबटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सैल।
सो एक बार जो आप पॉजिटिव प्लेट ना कनैक्ट की एक बार नैगेटिव प्लेट ना कनैक्ट की तो सानू दो डिफरेंट रीडिंग मिलनगियां जिहड़ियां सानू पोटेंशियल डिफरेंस दसनगियां प्लेट्स दे एक सैल दे विच द रीडिंग ऑफ पॉजिटिव प्लेट शुड नॉट बी लैस दैन 2.5 वोल्ट तो पॉजिटिव प्लेट की रीडिंग 2.5 वोल्ट तो घट नहीं होनी चाहिए तो जो रीडिंग 2.5 वोल्ट तो घट आ मतलब आ कि प्लेट खराब आ पॉजिटिव प्लेट खराब हो चुकी है तो नैगेटिव प्लेट की जी रीडिंग आ 0.2 वोल्ट तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर ज़्यादा आ रही है नैगेटिव प्लेट की रीडिंग 0.2 वोल्ट तो यानी कि नैगेटिव प्लेट खराब हो चुकी है द पॉजिटिव प्लेट इन गुड कंडीशन विल शो द पोटेंशियल डिफरेंस अबव 0 एंड नैगेटिव प्लेट बिलो 0 दिस टेस्ट इज कंडक्टेड वैन द बैटरी इज आइदर ऑन चार्ज और डिस्चार्ज जहाँ तो बैटरी फुल चार्ज हो डिस्चार्ज हो उस टाइम पर आप टेस्ट करते हैं सो करते किस तरह टेस्ट डायग्राम देखो सब तो पहला जिहड़ा वोल्ट मीटर हैगा आ वोल्ट मीटर नू आपां हमेशा जिहड़ी कैडमियम रोड हैगी आ जिहदे उपर एबोनाइट की कोटिंग हैगी उहनू हमेशा नैगेटिव वाले पासे कनैक्ट करना ठीक है वोल्ट मीटर की लाइन जा रही है कैडमियम रोड आ जिहनू आपां विच डिप किया होया इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दे विच ठीक है तो पॉजिटिव जिहड़ा साइड आ वोल्ट मीटर की उहनू आपां कनैक्ट करना एक बार नैगेटिव ना एक सैल दे नैगेटिव ना अगली बार उस सैल दे पॉजिटिव ना आ नैगेटिव वाली सी आ पॉजिटिव वाली डायग्राम बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम आ बस पॉजिटिव प्लेट कह देना कनैक्ट करती पॉजिटिव ना इधर पॉजिटिव कह देना कनैक्ट की नैगेटिव सो इस तरह आप एक सैल की रीडिंग ले ली आ एक सैल आता एक बार पॉजिटिव की एक बार नैगेटिव की फिर अगले सैल की एक बार पॉजिटिव की एक नैगेटिव की फिर नैक्सट सैल पॉजिटिव एंड नैगेटिव सो ये जो पॉजिटिव नैगेटिव दो रीडिंग लवेंगे आप एक सैल दू पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा तो जी पॉजिटिव प्लेट की रीडिंग आ 2.5 वोल्ट तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो जी नैगेटिव प्लेट की रीडिंग आ घट नहीं होनी चाहिए सॉरी तो नैगेटिव प्लेट की रीडिंग 0.2 वोल्ट तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर यह रीडिंग ज़्यादा या घट हैगी तो वह मतलब हैगा कि बैटरी के प्लेट्स के डिफेक्ट हैगा ठीक है सो यह सीगा कैडमियम टैसट तो ये प्रिकॉशन ये लैनी है कि बैटरी के प्लेट्स के नाल टच नहीं होना चाहिए जी कैडमियम रोड जो आप इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डिप करनी है बैटरी की रोड नाल कनैक्ट नहीं होनी चाहिए ठीक है सो नैक्सट इज ओपन वोल्ट टैसट ओपन वोल्ट टैसट की हैगा ए वेरी एक्यूरेट एंड सेंसिटिव वोल्ट मीटर इज रिक्वायर टू कंडक्ट दिस टैसट इन दिस टैसट द वोल्ट मीटर इज कनैक्टड अक्रॉस द सैल टर्मीनल एंड द ओपन सर्कट वोल्टेज हरेक सैल टर्मीनल से ओपन सर्कट वोल्टेज विदाउट एक्सटर्नल लोड अपलाइड ऑफ ईच सैल इज टेकन द ओपन सर्कट वोल्टेज ऑफ ए फुली चार्ज सैल इज 2.5 वोल्ट आप करना है? एक सैल दे हमेशा पॉजिटिव तो नैगेटिव साइड में वोल्ट मीटर कनैक्ट कर देना है तो एक सैल का जोड़ा पूरी चार्ज के उपर रीडिंग वोल्ट मीटर की 2.15 वोल्ट तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इट कैन बी ऑबजर्व दैट ए चेंज ऑफ 0.01 वोल्ट ऑफ ओपन सर्कट वोल्टेज इज इक्वलेंट टू चेंज ऑफ 0.010 इन द स्पेसिफिक ग्रैविटी ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट सो ये टैसट आप करते हैं साढ़े को हाइड्रोमीटर नहीं है तो जोड़ा ओपन सर्कट वोल्ट के चेंज चार्ज हैगा 0.01 वोल्टेज का हैगा अगर तो वह मतलब कि वह जी आप हाइड्रोमीटर टैसट करते 0.010 आप ऐड कर सकते हैं सो जो 1210 रीडिंग आ तो 0.01 वोल्ट का डिफरेंस हैगा तो यानी कि 1220 रीडिंग होजूगी दस द स्पैसीफिक ग्रैविटी मेजरमेंट कैन बी इनडायरैक्टली मेड विद वोल्ट मीटर ऑलसो सो अपने को अगर स्पैसीफिक ग्रैविटी रीडिंग लैंड लिए इक्विपमेंट नहीं है हाइड्रोमीटर तो आप वोल्ट मीटर की हैल्प के नाल भी उस रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 0.15 वोल्ट बिटवीन फुली चार्ज एंड बैड कंडीशन सैल ठीक है सो 0.15 वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए होंगे आ फुली चार्ज गुड कंडीशन एंड बैड कंडीशन डिस्चार्ज सैल के ठीक है सो यह सीगा एक सिंपल जहाँ ओपन वोल्ट टैसट आप करते जो सानू अगर साढ़े को हाइड्रोमीटर नहीं अवेलेबल है तो आप वोल्ट मीटर के नाल सेम रीडिंग लै सकी ठीक है सो ये तेरे लास्ट सारे टैसट हूँ टैसट प्रोसीजर सारे खत्म आ चार टैसट आप फस्ट इज हाइड्रोमीटर टैसट और स्पैसीफिक ग्रैविटी टैसट जिद इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की डेंसिटी और स्पैसीफिक ग्रैविटी चैक करते हैं इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की स्ट्रेंथ चैक करते हैं ठीक है उस तो सानू पता लग जाता कि बैटरी की कंडीशन की है चार्ज कंडीशन है डैमेज कंडीशन है या बिल्कुल डिस्चार्ज कंडीशन है ठीक है फिर आपां कीता हाई डिस्चार्ज टैसट ये आप जी बैटरी की
कंडीशन चेक करते हैं कि लोड जो आप हाई वो उपर पाने तो वो की डिफरेंस आते हैं वोल्ट के। ठीक है, सो थर्ड टैसट किया आप कैडमीयम टैसट, जिद कैडमीयम मैटल की रोड लेंगे वनू कवर किया होंगे एबोनाइट ट्यूब के नाल। सो जो ट्यूब के नाल कवर किया होंगे आ तो आप डिप करते हैं इलैक्ट्रोलाइट के नाल, तो नैगेटिव साइड जी वोल्ट मीटर की हैगीनू आप कनैक्ट करते हैं कैडमीयम रोड के नाल, तो पॉजिटिव साइड में आप एक बार नैगेटिव टर्मीनल कनैक्ट करना एक सैल दे, एक बार पॉजिटिव टर्मीनल कनैक्ट करना है। सो जो पॉजिटिव टर्मीनल कनैक्ट करना तो 2.5 वोल्ट तो जा घट रीडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर 2.5 वोल्ट तो रीडिंग घट है यानी कि ट्यूब प्लेटा खराब आ, पॉजिटिव प्लेट खराब आ, तो जे 0.2 वोल्ट तो ज़्यादा रीडिंग आ नैगेटिव प्लेट की तो यानी कि नैगेटिव प्लेट खराब आ। ठीक है, सो इस तरीके आप टैसट करते हैं कैडमीयम टैसट। तो ओपन वोल्ट टैसट आप करते हैं ता जो सानू अगर साढ़े को हाइड्रोमीटर नहीं है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के नाल ओपन वोल्ट सर्कट के नाल आप रीडिंग्स लै सकी डेंसिटी। ठीक है, सो ये लास्ट सगा टैसट, चार टैसट आप टोटल किए, काफ़ी इंपोर्टेंट टैसट आ, हाइड्रोमीटर टैसट कई बार एग्जाम के आ जाता है। सो हुण अपने नैक्सट लैक्चर के आप स्टार्ट करांगे बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग दे विच आपां स्टडी करना है कि व्हाट इज़ बैटरी चार्जर, मैथड ऑफ बैटरी चार्जिंग, कॉन्सटेंट करंट चार्जर, कॉन्सटेंट वोल्टेज चार्जर, ठीक है, तो स्लो रेट चार्जिंग एंड हाई रेट चार्जिंग, ठीक है, बूस्ट चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, कुछ चार्जिंग के डिफरेंट डिफरेंट मैथड आ जिहड़े आपां स्टडी करांगे। उस तो बाद साडा जिहड़ा फिर टॉपिक होएगा दैट इज डिफेक्ट ऑफ बैटरीज, डिफेक्ट ऑफ बैटरी तो बाद फिर साडा लास्ट टॉपिक होएगा एलकलाइन बैटरी। सो उस तो बाद फिर साडा सैकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन कोई डाउट होए तो मैं नैक्सट लैक्चर जिदन आप जूम से लाइव सैशन करने हैं वो अपने डाउट क्लीयर कर सकता है। थैंक यू।